माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, नए साल पे माता रानी जी ने आप सभी को एक और तोहफा दिया है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये चरण पादुका का मंदिर है जो कि कुछ समय पहले बंद था क्योंकि कोविड के समय पे यात्रियों को अनुमति नहीं थी अंदर जाने की, इसलिए यात्रियों को बाहर से दर्शन करने पड़ रहे थे। पर अभी नए साल पे माता रानी जी ने अपने दरबार खोल दिए हैं, इसीलिए भक्त अब अंदर जाके माता रानी जी के चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं और उनका सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक और खुशखबरी हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। आप सामने वीडियो में देख सकते हैं कि मंदिर पूरी तरह खोल दिया गया है और भक्त माता रानी जी के दर्शन के लिए जा पा रहे हैं। हम बाण गंगा से होकर चरण पादुका, तीसरा स्टॉप है हमारा, ये चरण पादुका मंदिर है। ये जय माता दी, जय माता दी। ये चरण पादुका के दर्शन है यहाँ पे। जय माता दी, जय माता दी। ये माता रानी का, यहाँ पे माता रानी का चरण पादुका है। यही पे माता रानी, जय हो माँ, जय हो मैया, जय हो माँ वैष्णो रानी, सदा कल्याण करना माँ। ये माँ के चरण पादुका है। जय माता दी, हम सब भक्तों का कल्याण करना माँ, तेरी जय जयकार हो माँ। जय माता दी, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जय हो माँ। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।